स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर जहां पर आइस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं गाइस। जैसा कि मार्केट आपने देख ही लिया होगा कि 4% का डाउनफॉल आज भी हमें देखने को मिला। कल थोड़ा सा रिकवर हुआ था 2% के आसपास, लेकिन उससे एक दिन पहले भी अगर हमने देखा था तो काफी बड़ा डंप वहां पर आया था जो कि था 8% के आसपास। तो कुछ अल्टकॉइंस है गाइस जिनके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, उनमें आप थोड़ी सी एंट्री बना लीजिए बिकॉज मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर आना ही है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ग्लोबली तो काफी अच्छी अच्छी न्यूजेस मार्केट में आ रही है सामने ही। कहीं ना कहीं हमारा जो इथेरियम ETF अप्रूवल है वो भी सामने ही खड़ा है और वो कभी भी पास हो सकता है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। साथ ही साथ काफ़ी जो बैंक्स हैं वो भी अब तो पार्टनरशिप करना शुरू कर चुके हैं बिटकॉइन के साथ में, जो कि अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन है क्रिप्टो के लिए। तो यहाँ पर आप घबराएं बिल्कुल भी ना। जैसा कि CMC पर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम जो ग्रीड इंडेक्स है उसी रेंज में अभी भी घूम रहा है। हालांकि इसमें गिरावट तो देखने को मिली है, यहाँ पर लोग पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं और आइस के लिए कुछ लोग मुझसे पर्सनली जो पूछ रहे थे DCA के लिए एंट्री के लिए, तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। 42 पैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है गाइस, जो कि अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट में अगर आप देखोगे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ये जो 46-44 पैसे वाला जो कहने की रेंज है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अगर इसको ये तोड़ता है तो ये डाउन आएगा और कहने का इसने उसको ब्रेकआउट तो किया। अब दूसरा अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो बनता है इसका कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये है 36-38 पैसे के आसपास। तो गाइस अगर ये वहाँ तक आता है लाइक 39-38 पैसे के आसपास, तो आप थोड़ा बहुत एंट्री कर सकते हैं। खासकर वो लोग DCA कर सकते हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था जब ये थोड़ा सा हाई गया था लाइक 60-65 पैसे के आसपास, तो ये दोबारा से आप DCA कर सकते हो। और जिन्होंने बिल्कुल भी आइस को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा हुआ है, यानी कि एक भी कॉइन नहीं पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत एंट्री यहाँ पर बना सकते हो। फर्दर अगर इसमें डंप आता है, क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यूसली एक दो दिन तक अगर डाउन ही रहता है गाइस, तो आइस में हमें और भी डंप देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 30 पैसे के आसपास भी आ जाए। तो वहाँ पर आपको फिर से DCA करना है, थोड़ी सी एंट्री और बढ़ा लेनी है बिकॉज आइस से हमें काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट तो होने वाला है फॉर श्योर। बिकॉज उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपको हर वीडियोज़ में देता ही रहता हूँ। कल हमने पाई और एथेन पर भी बात की थी, जहाँ पर पाई को लेकर भी एक अनाउंसमेंट आई थी, तो पाई को अब स्कैम भी बोल रहे हैं लोग। तो गाइज ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है अपना ओपन मिनट, हालांकि 2024 में आएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा था। तो यहाँ पर आप गाइज देखिए, जो कि वेबसाइट पर आप ये जो इनके प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें आइस वॉलेट भी है, जैसा कि इंटरफेस आप देख सकते हो, इनसे रिलेटेड अभी तक हमें अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन गुड न्यूज़ यही है गाइज कि अब आने वाले टाइम पर, यानी कि हर मंथली हमें एक ना एक गुड न्यूज़ इनसे रिलेटेड भी देखने को मिलेगी, ये आइस टीम ने कन्फर्म किया है। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने देखा था कि बिहाइंड द सीन इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट दी थी, जो कि रिसेंट अनाउंसमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए। सोलाना पर ये जो लिस्टेड हुआ था वो भी किस किस पर, रेडियम डेक्स और जुपिटर पर, जो कि अपने आप में ही खुद काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अचानक से सडन लिस्टिंग तो आइस में देखने को मिली सकती है किसी भी टाइम पर, चाहे वो बाइनेंस की हो या कोई और बड़ा एक्सचेंज हो या फिर कोई और तगड़ी अनाउंसमेंट जहां पर बाइंग जोन क्रिएट होने की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो मार्केट जैसे थोड़ा सा मोमेंटम दिखाएगा, और आइस में जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले दो दिन से कोई भी अनाउंसमेंट आई तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कल या परसों, क्योंकि हर 3-4 दिन के गैप में एक ना एक अनाउंसमेंट हमें आइस की तरफ से देखने को मिली रही है। तो टीम बिहाइंड द सीन काफ़ी अच्छा काम कर रही है और लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हमें कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। और जो आइस ऐप है, कई लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया होगा, कई लोगों ने अभी भी रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हमें कोई अपग्रेड दिख सकता है। अब वो किससे रिलेटेड होगा वो थोड़ा इनसाइडर है, वो हम उसी टाइम पर डिस्कस करेंगे जब वहाँ पर कोई अपडेट आता है। फिलहाल मैं एंट्री के लिए बात कर दूँ। और प्राइस प्रेडिक्शन अगर हम देखें गाइस, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है, इसकी आप मार्केट कैप देखिए गाइस, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए जो इसकी रैंक है वो 2500 से भी ज़्यादा है। तो अभी तो इसको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट अभी ये रिलीज़ कर सकता है। कॉइन मैट्रिसेस पर काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये FDV वाला सीन है गाइस, ये आपको CMC पर भी दिखाई देता है, जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है फुली डायल्यूटेड वॉल्यूम, वो तो हमें यहाँ पर भी नज़र आता ही है, जैसा कि अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर जो है वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से हमें CMC पर एग्जैक्ट डाटा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसा कि यहाँ पर फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप, तो ये अभी की सप्लाई के हिसाब से नज़र आ रही होती है। तो ये जब वेरीफाइड हो जाएगी तो ये और वो सेम हो जाएगा, तो वहाँ पर इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वैसे भी यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा चेंजेस अगर आता भी है तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ गाइज, आप देख लीजिए 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं इसके। अब जुपिटर और रेडियम जैसे वहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है सोलाना पर, तो ये इसी वजह से हुआ है गाइज, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है ये 2.2 मिलियन लोगों में से हो सकता है 200,000 लोग इसको नापसंद करते हों बिकॉज उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला था या और भी कोई रीजन्स हो सकते हैं, बट जो 2 मिलियन जो पक्के जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, रियल मनी उनको मिली है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इतना सपोर्ट इनके लिए इनफ है, सफिशियंट है किसी भी बड़े एक्सचेंज पर आना,
कभी भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करना और कितना भी ज्यादा इसको पंप करवा देना, बिकॉज आईस जिस लेवल का प्रोजेक्ट है गाइस, इसकी जो मार्केट कैप रैंक है सीएमसी के अकॉर्डिंग या फिर कॉइन गेको के अकॉर्डिंग, ये टॉप 500 में तो डेफिनेटली आएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ गाइज, आने में तो ये टॉप 200 में भी आ सकता है ओपन मिनट के बाद में। तो इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखना है। थोड़ा सा अमाउंट था फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए गाइज, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है आइस नेटवर्क के अंदर। बाकी हमें जो हालविंग है या फिर ओपन मेनेट है जो आइस का, उससे पहले भी इससे प्रॉफिट तो बनाना है, और एक बार नहीं कई बार बनाना है, जैसा कि अभी रिसेंटली भी हमने बनाया था जहाँ पर ये 60-65 पैसे के आसपास गया था, 61 पैसे के आसपास, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, थोड़ा बहुत पार्ट तो सेल कर ही सकते हो। और दोबारा से डीसीए करने का भी मौका मैं मिल चुका है गाइज ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैं तो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जो अच्छा एंट्री पॉइंट है, जिन्होंने जो नए एंट्री लेने वाले हैं उनके लिए एक और रेजिस्टेंस एक दो दिन में आप चेक कर लेना, बिकॉज आने वाले एक दो दिन में शायद समय देखने को मिल जाइए 38 पैसे के आसपास भी, और उससे भी फर्दर डाउन जाता है, तो आपको दोबारा से एंट्री ही लेनी है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आइस में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। बाकी मैं इसके लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और लवलीनू की भी बात करें क्योंकि हमारे काफ़ी यूज़र लवलीनू को भी होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट इन्होंने दी है लवली स्वैप को लेके, जहाँ पर ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा था, ट्रेडिंग कंपटीशन, तो उसके चलते हो सकता है शायद ये थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम इनको मिल गया हो, बट ये कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली जो तीन अनाउंसमेंट जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था वो आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका प्राइस पम्प करेगा, और सेपरेटली भी हम इस पर बात करेंगे जैसे कोई अनाउंसमेंट आती है अच्छी खासी, तो उसको लेके भी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला होगा डेफिनेटली, तो लाइक कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।